सुनो ध्यान देना यार, ना ध्यान दे सकते। कोई भी किसान के कोई भी शिकायत आएगी, कोई भी किसान के कोई भी शिकायत आएगी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, किसान की सुनवाई हो ठीक है। बस एक लाइन के बाद, हमारा किसान हमारा अन्नदाता है, भगवान हमारा, उसका शिकायत नहीं आना चाहिए। इतना मेहनत से धान कमात है, कितना मेहनत से लेके आते है, फिर और तुम तंग करिया। कोई किसान एक रुपया उम्र पर कोई चीज का दबाव नहीं है, देखला पहले शासन में 50 दबाव, कोई दबाव नहीं है। एक कर लेना होकर ले, कुछ नहीं किसान का लेना है, कोचिया का नहीं लेना है। ओकर अलावा तुम्हारे ऊपर कोई चीज का दबाव नहीं हमारे तरफ से, हमारे किसान को शिकायत नहीं मिलना चाहिए। जी, नहीं मिलेगा। गोबर बंद होगी इस किसान भाई मन जो जबरदस्ती गोबर रही ना, आप गट्टा पकड़ सके था कोई गोबर दे ही तो ना, तुम्हारे दम में बैठे हूँ। गोबर बंद, पैसा वसूली बंद, कोई तकलीफ नहीं। मैं नहीं भी रहूँ तो दिनेश भाई रहते 24 घंटा, हमारे भाई मन रहते हैं, मऊ रहूं लेकिन भाई मोला रायपुर भी कूदा धापी रहे। आप मल्ला कोई तकलीफ नहीं हो, ये गारंटी है मल्ला। तो कोई शिकायत नहीं आएगा भाई, नहीं जेकर जेकर ले वापस कर दे। अंबिकापुर से विधायक बनने के बाद राजेश अग्रवाल एक्शन मूड में दिख रहे हैं। लगातार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को लेकर कार्य योजना तैयार करने सहित व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। धान खरीदी केंद्रों में जाकर जहां किसानों के साथ होने वाली वसूली पर रोक लगाने सहित नगर पालिक निगम क्षेत्र में गर्मी के पूर्व पेयजल की व्यवस्था करने, मटन मार्केट को व्यवस्थित करने, ठेले गुमटियों को व्यवस्थित करने सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों से लगातार बैठक कर सप्ताह भर में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, पिछले साल पेयजल की बहुत समस्या आई थी गर्मी में, उसके लिए कलेक्टर साहब को मैं बोला हूँ कि अभी से तैयारी करें ताकि इस साल गर्मी में दिक्कत मत हो। गंगापुर शराब दुकान हमेशा विवादित, एक तो शहर के बीच में है, लड़ाई झगड़ा और विवाद रहता है, उसको नेत्र स्थापित करें। मेडिकल कॉलेज के जो रोड हैं, अगले साल मेडिकल कॉलेज वहाँ स्थापित होगा, उसका रोड अभी तक अच्छी स्थिति में नहीं है, अप्रोच रोड उसका नया खोज के बढ़िया बनाए। और शहर में कई जगह मीट मटन की दुकानें खुल गई हैं, जबकि इनको मेरिन ड्राइव में जगह दिया गया है। एक आदमी का जगह भले और दे दीजिए, लेकिन 50 जगह जो मीट मटन की दुकानें हैं ये बंद होनी चाहिए। और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए और ठेला गुमटी वालों को व्यवस्थित करने के लिए, इनको जो जगह जगह लगा हुआ है इनको हटाना नहीं है, व्यवस्थित करना है। ये सब बातें कलेक्टर साहब के संज्ञान में दे के आया हूँ और एक हफ्ते में इसका असर आप लोगों को दिखने लगेगा।